हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइसाई। आज मैं आपको ये तीन टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा। एक हमारे पास आ गया एरियल मैग्नीफिकेशन, एक एंगुलर मैग्नीफिकेशन और सॉलिड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब ये क्या है? देखिए, वैसे तो मैंने अपने वीडियोस में लीनियर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया था। आई एम सॉरी, मेरे को ये भी बताना चाहिए था पर स्किप हो गया वो टॉपिक। तो कोई नहीं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, एरियल मैग्नीफिकेशन के बारे में। ओके, देखिए एरियल मैग्नीफिकेशन एरियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है? एरियल मैग्नीफिकेशन को हम सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। अब देखिए, अगर वैसे देखना हो तो सिंपल है कि जो एरियल मैग्नीफिकेशन है, इधर मैं लिख देता हूँ, एरियल मैग्नीफिकेशन जो है ये क्या होती है? ये होती है एरिया ऑफ द इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल, ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला। लेकिन फिर भी हम एक और तरीके से देख लेते हैं, एक जरा डायग्राम वगैरह बना के। ये क्या होता है? सपोज ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। इस कनकेव मिरर पे ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक इस प्लेन मिरर पे ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाई कर, ओके, इस तरह से पड़ा है ये ऑब्जेक्ट जो कि परपेंडिकुलर है। और मैं ये लेट करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का इसको लेंथ कह दीजिए, ब्रेथ कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो है हमारे पास एक्स, ओके। और जो इसका ये वाली लेंथ है, ये है इसकी वाई, ठीक है जी। अगर हम देखें ये वाई, इसकी वाई और ये एक्स, ये दोनों के दोनों इसके जो डायमेंशन है वो इसके तो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो एक्स पे भी लगेगा और वही वाई पे भी लगेगा। अब एक्स कितना इंक्रीज हो जाएगा देखिए, ठीक है, एक्स कितना बन जाएगा, लेट से जो एक्स है वो चेंज होके क्या बन गया हमारे पास, एक्स डैश, ठीक है जी। और एक्स डैश किस क्या है? एक्स डैश है जो इंक्रीज इन एक्स है, ठीक है, जो इमेज का एक्स है। जैसे सपोज ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? पीछे बनती है। मैं लेट करता हूँ कि यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स डैश है इमेज का है, और ये इमेज का ये वाला डायमेंशन, ये आ गया वाई डैश। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स डैश क्या है वो इसमें जो मैग्नीफिकेशन हुई है, द मैग्नीफिकेशन एक्स में, ठीक है, एक्स कितना बढ़ गया, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा? लेट करते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है वो एम है, ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन है वो एम है, तो एम मैग्नीफिकेशन आ गई इनटू एक्स। तो ये क्या आ गई? लीनियर मैग्नीफिकेशन इन एक्स, ठीक है जी। इसी तरीके से जो वाई डैश होगा वो बन जाएगा एम वाई, वो क्या बन जाएगा? लीनियर मैग्नीफिकेशन इन वाई। बड़ा सिंपल है जी, बहुत सिंपल, ठीक है, हम दोनों में देख लेंगे। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एरियल मैग्नीफिकेशन। अब एरिया ऑफ द इमेज यहाँ से क्या बन जाएगा? एक्स डैश इंटू वाई डैश। वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? एक्स इंटू वाई। अब एक्स डैश किसके बराबर है? एम इंटू एक्स, ओके, और वाई डैश किसके बराबर है? एम इंटू वाई, ओके, तो और एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो एरियल मैग्नीफिकेशन है वो किसके बराबर आ गई? स्केयर ऑफ द लीनियर मैग्नीफिकेशन,
देखिए बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, बस लीनियर मैग्नीफिकेशन को ही हमने क्या कर दिया, टू डोमेंशन में जाके ले गए, ठीक है जी, वेरी सिंपल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पहले मैं सॉलिड, चलो एंगुलर मैग्नीफिकेशन पहले बोल लेते हैं। ओके, सबसे पहले एंगुलर मैग्नीफिकेशन, अब देखिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है, ध्यान से देखिए। ओ मैंने ये इसके लिए यूज़ कर लिया, तो कोई नहीं, इसको ए एन लिख लेता हूँ। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन है एंगल सबटेंडेड बाय बाय इमेज एट पोल डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट पोल। तो इसका मतलब ये है कि पोल पे इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है, इन रेडियन, याद रखिए इन रेडियंस ही पुट करना होता है, क्योंकि रेडियंस में जब हम एंगल पुट करते हैं वही रियल नंबर में आता है एंगल, ठीक है। ठीक है, तो इमेज जो पोल पे एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट जो पोल पे एंगल बना रहा है, उन दोनों के अगर हम रेशियो निकाल लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल मैग्नीफिकेशन। अब देखते हैं वो कैसे। अब देखिए सपोज ये हमारे पास फिर एक मिरर है, ओके, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, दिस ऑब्जेक्ट दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा जी, ठीक है जी, ओके, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल हो जाता है, लेट थीटा लिख देता हूँ मैं। इसी तरह से लेट करते हैं कि इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे है और ये भी कुछ एंगल बनाएगी, तो ये जो एंगल बनाएगी इसको मैं लिख देता हूँ थीटा बाय इमेज, इसे थीटा बाय ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों की रेशियो अगर हम निकाल दें तो हमारे को एंगुलर मैग्नीफिकेशन मिल जाती है यहाँ पे, बड़ा ईजी है, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एंगुलर इज इक्वल टू थीटा इमेज थीटा ऑब्जेक्ट, चलिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी हो, ठीक है जी। देखिए रिफ्रैक्शन में जब मैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको लेंस से रिलेटेड भी बताऊँगा, ठीक है, कैसे आएगा हमारे पास। ओके, अब आ गया जी तीसरा, ठीक है, वो मैंने आपको बोला सॉलिड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब सॉलिड एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है जी, देखिए जो हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, या कोई सरफेस है मान लो, तो सरफेस किसी पॉइंट पे क्या करता है, वो एंगल नहीं बनाता, वो सॉलिड एंगल बनाता। अगर जैसे ये तो आर्क की शेप का था, एक लीनियर ऑब्जेक्ट था, तो इसने यहाँ पे एंगुलर जिसको बोलते हैं एंगल बनाया, प्लेन एंगल जिसको कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास 3D है और सॉरी 2D है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है जी, ये सॉलिड एंगल। इसी तरह से अगर इसकी कोई इमेज होगी, अगर इसकी इमेज है तो वो इमेज भी सॉलिड एंगल बनाएगी यहीं पर, वो भी यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाएगी पोल पे, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगे, ठीक है। ये दोनों अपना अपना सॉलिड एंगल बना रहे हैं, ये इमेज भी बना रही है और ऑब्जेक्ट भी बना रही है। तो अगर इनकी रेशियो देख लो, ठीक है, वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सॉलिड एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू
सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट पोल डिवाइड बाय सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट पोल। ठीक है जी, बहुत ईजी है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में, एम एस इज इक्वल टू सॉलिड एंगल, आपको पता है इसे डिनोट किया जाता है, ऑफ द इमेज डिवाइड बाय सॉलिड एंगल ऑफ द सबटेंडेड बाय द। तो ये होगी जी हमारी डिफरेंट तरह की मैग्निफिकेशंस। ओके, तो आई होप आपने बड़े ढंग से इसको समझ लिया होगा। आप वीडियो रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। ओके, और कोई खास नई चीज़ नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपको बाकी जो ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोग्राम जैसे चला हुआ है। ओके ओके, बाय, थैंक यू।